हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 7 फरवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई में यहाँ पे हमें जो है मंडे के दिन क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मंडे के दिन स्टॉक में हमें जो है फिलहाल 1.81% का नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 530.30 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई जो है वो नया बनाया है फ्राइडे के दिन, लेकिन स्टॉक जो नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेज रेंज का हाई जो था वो 546.40 का था, यहाँ पे 52 रेंज का जो हाई है वो भी है 546.40। तो इसने अपना जो 52 हाई बना के फिर जो है सीधा यहाँ पे जो सेलर्स हमें देखने मिले हैं, मतलब ओपनिंग जो है यहाँ पे 52 हाई को क्रॉस करते हुए देखने मिली, लेकिन फिर उसके बाद जो डाउन साइड देखने मिला। बाकी यहाँ पे आने वाले दिनों में क्या होने वाला जरूर जो हमारा ओपिनियन हम देंगे और यहाँ पे मंडे के दिन जो स्टॉक में आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या होता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज सा मुझे वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है करंटली। यहाँ पे कैंडल की मैं बात करें तो कैंडल यहाँ पे एक जो है शॉर्ट टू मीडियम साइज की जो यहाँ पे कैंडल की बॉडी बनती देखने मिल रही है। अपर साइड में थोड़ी सी बड़ी और डाउन साइड में यहाँ पे जो है यहाँ पे छोटी विक जो देखने मिल रही है। बाकी RSI जो 60-61 के आसपास जो आ चुका है जरूर हमें एक डाउन साइड का इशारा देता है, लेकिन याद रखे RSI हो या फिर कोर इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे यहाँ पे मंडे के लिए, तो यहाँ पे मंडे को मुझे यहाँ पे जो है स्टॉक में जो है हम हमारे वन आर के चार्ट में ही बात करने वाले हैं। करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है मेरे लिए यहाँ पे जो है वो नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पे करंटली स्टॉक का जो ट्रेंड है वो जरूर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक जो कुछ दिनों के लिए हमें डाउन साइड जाते हुए देखने मिल सके। कहाँ तक देखने मिल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक जो 20 EMA तक हमें इजीली आते हुए देखने मिलने वाला है, मतलब 570 तक स्टॉक जो गिर सकता है यहाँ पे, और वहाँ पे सपोर्ट अगर यहाँ पे लिया तो वापस से अपसाइड मूवमेंट जा सकता है, लेकिन अगर नहीं लिया तो और नीचे गिरते हुए देखने मिल सकता है। और नीचे मतलब 500 तक स्टॉक जो इजीली हमें गिरते हुए देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे ट्रेंड जो स्टॉक में अभी भी पॉजिटिव है, मतलब जो भी डाउन साइड आ रहा है वहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे ऐड करने की। तो जरूर यहाँ पे आप जो है वो ऐड करते रहे और अपने स्टॉक का जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते रहे। आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताएं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे चलिए हम जाते हैं हमारे वन आर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं हमें मंडे के दिन स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे करंटली इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टॉक में होती है उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहे तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम आप जो अपने चार्ट में जरूर मार्किंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑलरेडी जो मार्किंग्स थी वो यहाँ पे थी, यहाँ पे हमें कोई भी एडिशनल जो मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा हम बात करते हैं स्टॉक में क्लोजिंग के बारे में। तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन स्टॉक में क्लोजिंग हुई है 529.45 के आसपास। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 527.80 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो वो बनता है। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 527.80 का यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट आता है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 531.90 का। तो याद रखे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब अगर आपको इस बीच में स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको मंडे के दिन जो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है मंडे के दिन वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो हमने जो है आई बटन में वहां पे जो है राइट में
जो है हमने आप सभी के लिए एक कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग का जो वीडियो बनाया है, जरूर थोड़ा सा एक लेंथी वीडियो है, लेकिन हमने पूरा का पूरा जो एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट और किस तरह से आपको टारगेट कर रखना है, स्टॉप लॉस किस तरह से रखना है, सारी की सारी बात जो हमने हम वहाँ पे पूरे डिटेल में किए, जरूर आप उस वीडियो को देख ले और फिर उसी के बाद जो है यहाँ पे स्टॉक में जो ट्रेड करें। बाकी बात करूं मैं मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 523.70 का, उसके बाद क्या आता है 520.40 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 535.45 का, उसके बाद क्या आता है 538.75 का। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जो मैंने बता दिए हैं, जरूर जो है उसी को कंसिडर में रखते हो जो आप यहाँ पे अपना मंडे के दिन जो है ट्रेड ले। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेस पे मंडे के लिए कहूँ जरूर पॉजिटिव का यहाँ पे बनता है, मतलब स्टॉक जो हमें जरूर अपसाइड जाते हुए देखने मिला, लेकिन ज्यादा नहीं। यहाँ पे स्टॉक जो है हमें 1.5% से लेकर 0.75% के बीच में जो यहाँ पे जो पॉजिटिव लगता है यहाँ पे देखने मिल सकता है। हाई चांसेस स्टॉक जो 531.90 से लेकर 535.45 के बीच में जो क्लोज हो जाए, जरूर उसके ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके बाद नीचे आते हुए हमें इस बीच में जो क्लोजिंग देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।